हेलो स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से आपको अपनी रैंक वगैरह से किस तरीके से कॉलेज पता करना है उस पर डिस्कशन हो रहा है। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, गले में दिक्कत होने के कारण, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक भेजना है। बिल्कुल, ये रैंक आ गई है इनकी 110, परसेंटाइल नहीं भेजना है, रैंक भेजना है। रैंक के बाद कैटेगरी बतानी है और होम स्टेट, तीन चीज़ें। और अगर आपकी कोई दो रैंक हैं, जैसे मान लो एक स्टेट रैंक है ओबीसी, जैसे ये सुरेश कुमार ने भेजा, तो इनकी ओबीसी रैंक काम की रहेगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुरेश कुमार से, देखिए इसमें आराम आराम से रहें, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, आराम आराम से। देखिए सुरेश कुमार से स्टार्ट करते हैं, इनकी ओबीसी रैंक है 9117, होम स्टेट तेलंगाना है। चलिए तो इनका स्टार्ट करते हैं देखना। तो ये जेईई मेंस का रिजल्ट है इनका 9117, कैटेगरी इनकी ओबीसी है, स्टेट इनका तेलंगाना है। तो ये देखिए, अब ये कॉलेज इनको मिल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इनको एनआईटी वगैरह में क्या मिल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एनआईटी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये गवर्नमेंट कॉलेज देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट कॉलेज में इनको कौन कौन से मिल रहे हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश मिल रहा है इनको, एनआईटी मेघालय मिल रहा है। यहाँ पर ब्रांच आप देख सकते हैं, इनको सिविल मिल रही, मैकेनिकल मिल रही, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं इनको VNIT नागपुर मिल रहा है, NIT श्रीनगर मिल रहा है, NIT नागालैंड मिल रहा है, NIT मिज़ोरम, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ये भी मिल रहा है इनको, NIT वारंगल में इनको बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, NIT जालंधर में मिल रहा है इनको, NIT राउरकेला में इनको फूड प्रोसेसिंग मिल रही है। इस तरीके से नागपुर, MANIT जयपुर में इनको मेटलर्जी मिल रही है, NIT उत्तराखंड में, NIT गोवा, NIT रायपुर, जालंधर, ये सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं। अब सुरेश कुमार, देखिए भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं पूछें, ये थोड़ा लंबा काम है, थोड़ा आराम से चलें। तो ये जल्दी जल्दी नहीं करना है, ये अपन देख रहे थे किसका, सुरेश कुमार का देख रहे हैं। सुरेश कुमार जी, आपका क्या इंटरेस्ट है, कहाँ लेने का, टाइप करें सुरेश कुमार, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है। सुरेश कुमार, सुरेश कुमार शायद है नहीं अभी, सुरेश कुमार ने CS, चलिए तो CS चेक कर लेते हैं इनको कहाँ कहाँ मिल रही है गवर्नमेंट में, ठीक है। देखिए CS चेक हो रही है, ये आ गया, तो CS इनको मिल रही है IIIM दिल्ली में मिल रही है CS, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा इनको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी मिल रही है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, इसमें इनको मिल रही है ना भाई। और इनको असम यूनिवर्सिटी सिलचर में मिल रही है, इनको IIIM भुवनेश्वर में भी मिल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मिल रही है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में मिल रही है, ठीक है, ये सारी जगह इनको मिल रही है। तो
बहुत सारी जगह इनको मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह जो है इनको मिल रही है आराम से बिना किसी दिक्कत के। चलिए आप देख लेते हैं ये डिफरेंट बे, देखिए आराम आराम से चलें यहाँ पे, ठीक है। अविनाश गायकवाड़ को देखते हैं, इनका है रैंक 6413, जनरल हैं ये, अविनाश गायकवाड़ जनरल गर्ल, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट है, 641 होम स्टेट महाराष्ट्र है इनका, ओके 6413। और देखिए एक चीज़ और बता दें कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो पूरा डिटेल हम आपको भेजेंगे, एक दो दिन में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा डिटेल भेजा जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, प्राइवेट गवर्नमेंट सबकी लिस्ट वाइज पीडीएफ बना के आपको बाकायदा भेजा जाएगा, आपको व्हाट्सएप कर देना है पूरी डिटेल, ठीक है, सभी लोगों के पास नंबर है व्हाट्सएप का, उसी पर व्हाट्सएप करना है। चलिए तो अब ये चेक कर रहे हैं अपन, 6413 रैंक है, ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी है इनकी और गर्ल कैंडिडेट हैं ये, डोमेस्टाइल स्टेट इनका महाराष्ट्र है। चलिए तो देखिए ये इनको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, ये आ गया, आप इनसे पूछते हैं अपन कौन सी ब्रांच में इनका इंटरेस्ट है। इनको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, गायकवाड़ जी आप अपना इंटरेस्ट बताएं, कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है गायकवाड़ जी का। सीएस, बिल्कुल बिल्कुल सीएस में देखते हैं आप, सीएस में इनको अपन गवर्नमेंट सीएस देख रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में सीएस ब्रांच। चलिए गवर्नमेंट में इनको कहाँ कहाँ पे सीएस ब्रांच में मिल रही है। चलिए तो ये फाइनल इनकी लिस्ट आ गई, इनको ट्रिपल आईटीएम दिल्ली में सीएस मिल रही है, एनआईटी कालीकट में सीएस मिल रही है, बहुत बढ़िया, एनआईटी कालीकट बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हैं एनआईटी कालीकट में इनको सीएस मिल रही है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये एनआईटी कालीकट। इसके अलावा एमएनआईटी भोपाल में मिल रही है इनको, को एनआईटी दिल्ली में मिल रही है इनको, एनआईटी गोवा में मिल रही है, एनआईटी नागपुर में मिल रही है और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल रही है, एनआईटी जालंधर में मिल रही है, एनआईटी दुर्गापुर में मिल रही है, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी जमशेदपुर, बहुत सारी जगह, एनआईटी कुरुक्षेत्रा में भी मिल रही है इनको, बहुत बढ़िया, एनआईटी हमीरपुर में मिल रही है, एसवीआईटी सूरत में भी मिल रही है इनको, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में भी मिल रही है, बहुत अच्छा कॉलेज है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। तो इस तरीके से, और आप जो है गायकवाड़ जी आप पूरी डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दें तो हम आपको पूरा पीडीएफ बना के एक दो दिन में भेज देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आप जो है उन्हीं परसेंटाइल नहीं है, रैंक चाहिए पड़ेगी आपकी, रैंक और कैटेगरी। तो ये कल्याण जी की देखते हैं, इनकी 2500 OBC तेलंगाना, कल्याण जी की 2500 रैंक है ओबीसी में और इनका स्टेट तेलंगाना है। चलिए तो अब अपन इनका देखते हैं, ध्यान रखें भाई थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है इसलिए शेयर नहीं करना है वीडियो बिल्कुल भी, ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए। चलिए तो इनका सबसे पहले अपन रैंक डाल देते हैं, 2500 रैंक है इनकी, कैटेगरी इनकी ओबीसी है, डोमेसाइल स्टेट इनका तेलंगाना है। ये देखिए सारी चीज़ें फीड हो गई हैं, अब देख सकते हैं, अब देखिए ये, इसके बाद अपन चेक कर रहे हैं इनको गवर्नमेंट में सीएस, इन्होंने कहा है गवर्नमेंट कॉलेज, अपन ने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद इनकी ब्रांच इनको सीएस चाहिए। चलिए ये इनका फाइनल आ गया, देखिए तो इनको एनआईटी दुर्गापुर में सीएस मिल रही है, इसके बाद इनको
एनआईटी गोवा में, एनआईटी जालंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी राउरकेला जमशेदपुर। देखिए राउरकेला बहुत अच्छी एनआईटी है, आप नोट कर लें, राउरकेला में आपको मिल रही है। एनआईटी जमशेदपुर में आपको मिल रही है, एनआईटी कालीकट में आपको मिल रही है, वीएनआईटी नागपुर में आपको मिल रही है, एनआईटी रायपुर में आपको मिल रही है, एमएनआईटी इलाहाबाद में मिल रही, ग्वालियर में मिल रही है, सिलचर में मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा आपको कुरुक्षेत्रा में भी मिल रही है, शिवपुर में भी मिल रही है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो आपको लगभग सभी जगह मिल रही है, कल्याण बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, सारी जगह आपको मिल रही है, बहुत ही अच्छा कल्याण। और कल्याण आप अपना डिटेल हमें व्हाट्सअप कर दें तो हम आपको पूरा पीडीएफ बना के सारी चीज़ें भेज देंगे। चलिए तो ये इसके बाद संदीप सिंह जी को देखते हैं, इनकी ईडब्ल्यूएस रैंक है 2008 परसेंटाइल, उत्तर प्रदेश होम स्टेट, परसेंटाइल नहीं चाहिए रैंक चाहिए है, इनकी रैंक है ईडब्ल्यूएस में 2.00, बहुत ही ज़्यादा रैंक दिख रही है आपकी, फिर से लिखिए आप संदीप सिंह जी, एक बार और लिखिए ठीक से। आयुष दास, इनकी जनरल है, यूपी स्टेट है, 50,000 रैंक है, आयुष दास का करते हैं, आयुष दास जो हैं इनकी रैंक है 50,000, स्टेट यूपी है और कैटेगरी जनरल। चलिए आपका आयुष दास 50,000 रैंक है आपकी, कैंडिडेट मेल हैं, ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी है, होम स्टेट इन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश यूपी। चलिए सारी चीज़ें देखते जाएं भाई, कोई चीज़ गलत हो रही हो तो बोल देना है आपको। आयुष दास जनरल 50,000 रैंक यूपी, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये अब इनके सामने कॉलेज की लिस्ट खुलने जा रही है, कौन कौन से कॉलेज इनको मिल सकते हैं। हाँ ये लिस्ट आ गई है, अब सबसे पहले अपन इसको गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल सकता है। अब इन्होंने अपनी ब्रांच, इन्होंने परफॉर्म, कौन सी ब्रांच चाहिए आयुष दास जी आपको, कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है आयुष दास, ब्रांच इंटरेस्ट भी लिखें साथ में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आयुष दास को असम यूनिवर्सिटी सिलचर तेजपुर दोनों मिल रही हैं, श्री माता वैष्णो देवी मिल रहे हैं इनको, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं इनको, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी मिल रही है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मिल रहा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। आयुष दास ने बता दिया मैकेनिकल, ओके ओके, आयुष दास ने मैकेनिकल बता दिया है, इनका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है। चलिए तो आयुष दास का मैकेनिकल इंटरेस्ट, हाँ तो इनको मैकेनिकल मिल रही है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, गुरुकुला, कांगड़ा विश्वविद्यालय, संत लोनावाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये अच्छा कॉलेज है, संत लोनावाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नोट कर लें आप आयुष दास, ये अच्छा कॉलेज। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, HNBG ये भी अच्छा कॉलेज है, गुरु घासीदास में भी मिल रही है, पंजाब में भी मिल रही है आपको, ये इतनी जगह आपको मिल रही है आयुष दास जी। अब देखिए इसके बाद आयुष दास जी आप अपना डिटेल हमें व्हाट्सअप कर दें तो पूरा PDF बना के हम आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे, लेकिन एक दो दिन का टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी नहीं आ पाए। देखिए आशीष गुप्ता जी आप अपना होम स्टेट लिखिए, किस स्टेट से आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है वो होम स्टेट कहलाता है, तो आपने यहाँ पे ये तो लिखा है 3600 EWS है बट स्टेट नहीं लिखा। देखिए बेद प्रो इन्होंने लिख दिया अपना स्टेट, नाम भी अच्छे से लिखें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा क्लियर कट आपका जो भी उचित नाम है, जैसे ये साक्षी जायसवाल ने होम स्टेट नहीं लिखा तो देख,
तो देखना संभव नहीं है होम स्टेट के बिना, तक होम स्टेट का होम स्टेट जब तक नहीं होगा तब तक आप देखना नहीं सकते अपन लोग। तो ये आ गया है, आशीष गुप्ता जी ने लिख दिया है, इनकी रैंक है 3600 EWS UP। चलिए तो इनका देखना चालू करते हैं, बिल्कुल बढ़िया क्या क्या इनको मिल सकता है। इंटरेस्ट भी लिखें आप अपना, इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि देखिए भाई इंटरेस्ट के बिना मज़ा नहीं आएगा। कौन से कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप चाहते हैं, तभी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये इस तरीके से, चलिए इनका पूरा डिटेल डाला जा चुका है और उस पर काम हो रहा है इनके डिटेल पे। आशीष गुप्ता, देखिए आशीष गुप्ता जी आपका खुल चुका है। अब आपके लिए अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट में, आपने इंटरेस्ट ब्रांच का भी नहीं बताया है, बट गवर्नमेंट में ही देख रहे हैं अपन, तो गवर्नमेंट तो देखेंगे, ब्रांच आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आशीष गुप्ता ने बताया मैकेनिकल, चलिए तो आपके सामने खुल चुका है इनको अभी क्या क्या गवर्नमेंट में क्या क्या मिल रहा है। अब इन्होंने मैकेनिकल इंटरेस्ट बता दिया है, तो अब मैकेनिकल से अपन देखेंगे। देखिए थोड़ा आराम से प्रोसेस चल रही है, जल्दी नहीं हो सकता इसमें, ब्रांच वगैरह बहुत लंबी प्रोसीजर रहती है, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं पूछें, एक एक कैंडिडेट का ठीक से डाटा आ जाने दें, उसको लिख लेने दें। तो ये इनका मैकेनिकल खुल चुका है, इनको तेजपुर में मिल रही है, संत लोनावाला में मिल रही है, NIT मिजोरम, NIT नागालैंड में मिल रही है, श्री माथो देवी यूनिवर्सिटी में मिल रही है इनको, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल रही, पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल रही, KI गुजरौल में मिल रही है। तो बहुत ही अच्छे कॉलेज में तो इनको नहीं मिल पा रही है, पूरा बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपको नहीं मिल पा रही है ये, गवर्नमेंट में तो नहीं मिल पा रही। अब अपन इसके बाद इनका प्राइवेट में देखते हैं, ठीक है भाई, प्राइवेट में इनको किस कॉलेज में मिल सकती है, प्राइवेट और देख लेते हैं एक बार इनका, आशीष गुप्ता जी का। हाँ भाई प्राइवेट में इनको GS रायसैनी कॉलेज VIT पूना में मिल रही है, प्राइवेट में इनको कुछ अच्छे कॉलेज में मिल रही है, बाकी गवर्नमेंट में इनको नहीं मिल पा रही है अच्छे में। फिर भी पूरा आप हमें डिटेल भेज दें तो पूरा PDF बना के हम आपको भेज देंगे। ध्यान रखें हमारे यहाँ से जो भी काउंसलिंग है ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है, पूरी पूरे 6 राउंड तक आपको एडवाइस मिलेगी कंप्लीट, अभी से लेके चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, एक एक बच्चे को पूरी जानकारी। बहुत टाइम है काउंसलिंग के लिए और टेंशन नहीं लें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद सुमेद कुलकर्णी को देखते हैं अपन, इनका जो है 566 महाराष्ट्र में है, सुमेद कुलकर्णी इनका EWS है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये कॉलेज प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है, ये पास्ट ईयर के हिसाब से हो रहा है, 2019 में इस रैंक पर जिसको जो मिला था वो दिखा रहे हैं, और उसी के हिसाब से 2020 में मिलना चाहिए, बट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो टेंशन नहीं लें। तो सुमेश कुलकर्णी जी की रैंक है 566 और EWS है और इनका महाराष्ट्र स्टेट है, इनको CS और EC चाहिए महाराष्ट्र में। चलिए तो इनका देखते हैं अपन, आराम से, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाना नहीं है, शेयर नहीं करना है, नहीं तो क्या भीड़ हो जाती है तो फिर देख नहीं पाते हैं, थोड़ा आराम से 10-5 लोग रहें, आराम से अपन लोग देखेंगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। 566 इनकी रैंक है कुलकर्णी जी की, इनका जो है कैटेगरी है EWS, होम स्टेट इनका महाराष्ट्र है। देखिए इनकी पूरी डाटा फिल हो गया है, इनको CS और वो देखना है। तो चलिए तो इनका सबसे पहले तो अपन गवर्नमेंट कॉलेज में टिक करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आ गया इनके, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद इनको सबसे पहले अपन CS देखते हैं। चलिए तो ये फाइनल लिस्ट आ गई है, इनको CS कहाँ कहाँ मिल रहा है देख सकते हैं आप लोग, CS इनको कहाँ कहाँ मिल रहा है, कुलकर्णी जी को CS कहाँ कहाँ मिल रही है ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा रैंक इनकी बता देते हैं, महाराष्ट्र स्टेट से हैं, EWS 566। तो अगर किसी कैंडिडेट और महाराष्ट्र से हों और EWS 566 है तो उनको भी यही मिलेगा। तो अब देख लें क्या क्या इनको मिल रहा है सभी लोग, MANIT जयपुर मिल रहा है, VNIT नागपुर आपको मिल रहा है, बिल्कुल कांग्रेचुलेशन,
कुलकर्णी जी, आपको नागपुर मिल रहा है, नागपुर में आपको सीएस मिल रही है। कांग्रेचुलेशन कुलकर्णी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुलकर्णी जी को जो है नागपुर में मिल रही है, इनका होम स्टेट है नागपुर। सुमेध कुलकर्णी जी, कांग्रेचुलेशन, आप सफल रहे, बहुत बढ़िया। व्हाट्सअप कर दें आप तो हम पूरा पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे। सुमेध कुलकर्णी जी, बहुत बढ़िया आपको, बिल्कुल। और देख लेते हैं इनको कहाँ कहाँ मिल रहा है। सुमेध कुलकर्णी जी को एनआईटी कुरुक्षेत्रा भी मिल रहा है, इनको कुरुक्षेत्रा अच्छा एनआईटी है। और इनको एसवीएनआईटी सूरत भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। एनआईटी कालीकट भी मिल रहा है इनको, एमएनआईटी भोपाल भी मिल रहा है इनको, बहुत ही अच्छा इनका जमशेदपुर मिल रहा है। तो ये सारे हम आपको रैंकिंग वगैरह भी बताएंगे, बहुत ही अच्छा इनको मिल रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति इनकी है। चलिए अब दूसरे कैंडिडेट पे आ जाते हैं, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं ये यहाँ पे इस समय नए कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं। अच्छा देखिए भाई, आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है। देखिए अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, 30 लोग हैं और लाइक नहीं कर रहे। लाइक करें वीडियो को, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लोगों की जो टेक्निकल टीम लगी हुई है लगातार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और ये आपको इतनी अच्छी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं, तो वो उनका मोटिवेशन होता रहे। चलिए तो ये बिंसु वरदान को देखते हैं अपन। इनका 9000 इनकी रैंक है, जनरल कैटेगरी से ये हैं, और इनका होम स्टेट तमिलनाडु है। चलिए तो बिंसु जी को देखते हैं अपन, बिंसु वरदान। चलिए बिंसु वरदान को देखते हैं अब। चलिए तो सभी लोग अपनी व्हाट्सएप डिटेल कर देंगे, एक दो दिन में पीडीएफ बना के पूरी चीज़ उनको भेजी जाएगी, लेकिन जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बार बार आप परेशान नहीं हो। बंसु वरदान जी को अपन मान रहे हैं, बॉय मेल, मेल कैटेगरी से ले रहे हैं इनका, जनरल रैंक है इनकी, और तमिलनाडु इनका स्टेट है बिंसु वरदान जी का। चलिए तो ये इनकी डिटेल फिल्ड हो गई है, और अब देखते हैं इनको क्या मिल रहा है। चलिए तो ये अब इनको अपन सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, इन्होंने ब्रांच नहीं बताई है, लेकिन ब्रांच और बताएं बिंसु जी, आप कौन सी ब्रांच चाहते हैं तो प्लीज़ आप लिखें चैट बॉक्स में, ब्रांच लिखें आप, कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में इनका इंटरेस्ट है। चलिए तो अपन देखते हैं इनको, पहले मैकेनिकल इन्होंने बताया, तो पहले मैकेनिकल देख लेते हैं। चलिए तो मैकेनिकल इनको गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ मिल रही है, तो गवर्नमेंट में इनको सबसे पहले IIIM जबलपुर में मैकेनिकल मिल रही है, फिर IIIM कांचीपुरम में इनको मिल रही है, चेन्नई, ये चेन्नई में आपको मिल रही है। अगर आप चाहते हैं IIIIM कांचीपुरम आपके हिसाब से अच्छा है, तो वहाँ आपको मैकेनिकल मिल रही है आपके स्टेट में। इसके अलावा NIT मेघालय में मिल रही है, NIT आंध्र प्रदेश में मिल रही है आपको, IIIIM कांचीपुरम चेन्नई, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मैकेनिकल भी मिल रही है। NIT नागालैंड में आपको मिल रही है, NIT सिक्किम, NIT अगरतला, NIT मिर्ज़ापुर में मिल रही है, NIT मणिपुर में मिल रही है आपको। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में मिल रही है, NIT श्रीनगर में मिल रही है, IIIIM कांजीपुरम में आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई ब्रांच है वो भी मिल रही है IIIIM कांजीपुरम में, आज को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। पौंडीचेरी में भी आप, पौंडीचेरी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा कॉलेज है, यहाँ भी आपको ब्रांच मिल रही है, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको मिल रही है। तो लगातार आप देख सकते हैं, संट लोना वाला इंस्टीट्यूट में भी आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम PDF बना के आपको भेज देंगे, आपको व्हाट्सअप कर देना है अपना पूरा डिटेल, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा आपको प्राइवेट में तो नहीं चाहिए, प्राइवेट भी चेक करना है क्या बिंसु जी, प्राइवेट चेक करना है क्या, सिर्फ गवर्नमेंट चेक करना है। चलिए तो ये अब नेक्स्ट कैंडिडेट का चेक कर लेते हैं। प्रियांशु की रैंक है 13854, और OBC रैंक है, OBC रैंक चाहिए एक्चुअल में, 2800 OBC रैंक है, और होम स्टेट इनका MP है, ब्रांच CS चाहिए प्रियांशु को।
2800 ओबीसी होम स्टेट एमपी है प्रियांशु जी, और सीएस में इंटरेस्ट है। चलिए तो इनका आप देखना स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु का सबसे पहले इनकी 2800 रैंक अपन डालते हैं ओबीसी में। ये कैटेगरी ओबीसी है, इनका होम स्टेट एमपी है। चलिए तो ये इनका डाटा खुल रहा है। अब सबसे पहले अपन इनको गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं, गवर्नमेंट के बाद इनको ब्रांच सीएस देखना है। चलिए तो सीएस ब्रांच देखते हैं अब इसके बाद अपन। चलिए तो इनका फाइनल डिटेल आ चुका है। सबसे पहले इनको एनआईटी जालंधर और एनआईटी हमीरपुर में सीएस मिल रही है। इसके अलावा इनको जो है एनएसआईटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एमएनआईटी भोपाल में आपको मिल रही है। बहुत बढ़िया, देखिए एमएनआईटी भोपाल में आपको मिल रही है प्रियांशु जी, एमएनआईटी भोपाल में आपको मिल रही है। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। अगर आपका भोपाल में इंटरेस्ट है तो वहाँ आपको मिल रही है। अब और देख लेते हैं इनको और कहाँ मिल रही है एमएनआईटी। जमशेदपुर में भी मिल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोवा में मिल रही है, रायपुर में भी मिल रही है आपको। एनआईटी सिलचर मिल रहा है आपको। हाँ एक चीज़ और है, ग्वालियर में भी आपको मिल रही है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के दो कॉलेज आपको मिल रहे हैं प्रियांशु जी, कांग्रेचुलेशन। मध्य प्रदेश के दो कॉलेज आपको मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ भेज दी जाएंगी, आपको व्हाट्सअप कर देना अपना डिटेल, तो आपको सारी चीज़ें जो है पीडीएफ में भेज दी जाएंगी। ठीक है, एनआईटी पटना मिल रहा है आपको, बहुत अच्छे मिल रहे हैं और आपका बहुत अच्छा रैंक वगैरह है प्रियांशु जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट कैंडिडेट अपन लेते हैं। प्रियांशु जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। चलिए तो इसके बाद खुशी, खुशी को देख लेते हैं। इन्होंने सब्सक्राइब भी किया, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं, लाइक भी बहुत ही कम है। गले में प्रॉब्लम होने के कारण लाइव अपना लेट हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं भाई। देखिए बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके लिए काम कर रहे हैं। गले में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी, तो कम से कम भाई लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। खुशी सिंघवी, इनकी जनरल फीमेल रैंक है 26663 और कंप्यूटर साइंस में इनका होम स्टेट नहीं लिखा है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ये होम स्टेट लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। होम स्टेट बता दें आप खुशी सिंघवी जी, होम स्टेट आप बता दें अपना, फिर से पूरा लिख दें होम स्टेट मिला के इकट्ठा। देखिए तो ये एक कैंडिडेट है मनीष मंडलोई, देखिए मनीष मंडलोई इनका बताते हैं अपन। इनकी रैंक है मनीष, एमपी से हैं ये, और एसटी रैंक है इनकी 8079। ठीक है, एसटी रैंक एमपी से 80। चलिए तो इनका देखते हैं जब तक अपन क्या स्थिति है इनके लिए। जिन भी कैंडिडेट को पूरा डिटेल पीडीएफ में चाहिए हो, देखिए सब चीज़ फ्री ऑफ द कॉस्ट है, तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। इनकी रैंक है 8079 मनीष जी, और इनका जो कैटेगरी है वो एसटी है, डोमिसाइल स्टेट इनका एमपी है। चलिए तो देख लेते हैं इनको क्या मिल रहा है। सबसे पहले इनको गवर्नमेंट, इन्होंने ब्रांच कौन सी चाहिए वो नहीं लिखा है। मनीष जी ब्रांच लिखें, कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अब अपन इसके बाद गवर्नमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में इनको क्या मिला, उन्होंने ब्रांच नहीं बताई है। गवर्नमेंट में इनको आईसीटी मुंबई मिल रहा है, ट्रिपल आईटीएम दिल्ली मिल रहा है, आईसीटी मुंबई, आईसीटी मुंबई लगातार इनको मिल रहा है, आईसीटी मुंबई, आईसीटी मुंबई, एक ही कॉलेज में इनको बहुत सारी ब्रांच मिल रही हैं। तो इन्होंने ब्रांच का नहीं बताया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ब्रांच का और बता दें साथ में, सिविल, सिविल बता दिए ब्रांच। ओके ओके, सिविल, सिविल इंजीनियरिंग इनको कहाँ मिल रही है। हाँ देखिए तो सिविल आपको डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिल रही, छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपको मिल रही है सिविल। इसके अलावा गोविंद भाई
उत्तराखंड में मिल रही है, इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निकल देवी अहिल्या, डीएवी में सिविल मिल रही है, बहुत बढ़िया है, डीएवी में सिविल मिल रही है इनको, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल रही है सिविल, ठीक है, और ग्वालियर में मिल रही है सिविल आपको, रीवा में मिल रही है, आरजीबीपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिल रही, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मिल रही, चलिए तो इतनी जगह आपको सिविल मिल रही है। और ये सब पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर दें नंबर पर, नंबर आप सबको ऊपर निकल रहा है स्क्रीन पर, पूरी चीज़ भेज दी जाएगी। अंकित राज बिहार से हैं, अंकित राज को देखते हैं इसके बाद, अंकित राज को क्या मिल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी में। अंकित राज, इनकी जो रैंक है वो 18736 ईडब्ल्यूएस रैंक है, इनका होम स्टेट जो है वो बिहार है, और सीएस और ईई में इनका इंटरेस्ट है। ईई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अंकित राज, चलिए तो अंकित राज जी का देख लेते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा स्लो है प्रोसेस, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ बैठना है, और शेयर नहीं करना है वीडियो को, ज़्यादा लोग बिल्कुल नहीं आए, अपन को ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, अपन को चाहिए कि जो भी लोग आए उनको पूरी जानकारी मिले, बस अपन को इतना चाहिए, जो लोग अपने चैनल पर आ रहे हैं उनको सही जानकारी मिल सके बस। बिहार इनका स्टेट है, ईडब्ल्यूएस रैंक इनकी 18736 है। चलिए तो इनका देख लेते हैं इनको क्या मिल रहा है इस समय। चलिए तो ये जो है इनका चालू हो गया है, चलिए अब इनका देखना है अपन को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सबसे पहले इनको गवर्नमेंट अपन क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट में इन्होंने जो ब्रांच बताई है वो सीएस बताई है, तो अपन देख लेते हैं इनको सीएस कहाँ मिल रही है। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं इनको एनआईटी मेघालय में मिल रही है सीएस, एनआईटी मिजोरम में मिल रही है सीएस इनको, ट्रिपल आईटी एम भुवनेश्वर में मिल रही, भुवनेश्वर अच्छा ठह है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है इनको, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल रायपुर में मिल रही है इनको, एनआईटी सिक्किम में मिल रही, एनआईटी मणिपुर में मिल रही है, ट्रिप भुवनेश्वर में मिल रहा है, नागालैंड में मिल रहा है इनको, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिल रही है इनको, श्री माता देवी में मिल रही है इनको, तेजपुर में मिल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, देखिए आपको ठीक ठीक मिल रहा है, बट बहुत ही अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल पा रहा है। इनकी दूसरी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल थी शायद, इलेक्ट्रिकल और देख लेते हैं इनको कहाँ कहाँ मिल रही है, इलेक्ट्रिकल कहाँ कहाँ इनको मिल रही है, ई का मतलब इनका इलेक्ट्रिकल था अगर तो, अनुराधा कुशवाहा जी ने सही लिखा है, जिन भी लोगों को अभी काउंसलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग जाके पढ़ाई करें। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे भी कम लोग हैं, तो सभी लोग जाके एडवांस की प्रिपरेशन करें, बिल्कुल सही लिखा है अनुराधा जी ने, थैंक यू अनुराधा जी। जिन लोगों को काउंसलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो लोग जाके पढ़ाई करें एडवांस की काउंसलिंग, क्योंकि एडवांस के बाद होगी, ये अच्छी चीज़ लिखी है अनुराधा जी ने, थैंक यू। फिर से लिख दें अनुराधा जी एक बार और अच्छे से सभी लोगों के लिए, आपने अच्छा लिखा है। एनआईटी पांडिचेरी, एनआईटी उत्तराखंड, पंजाब, ये इन जगह आपको जो ये ब्रांच मिल रही है इलेक्ट्रिकल, इतनी जगह, मेघालय, मणिपुर, ट्रिपल आईटी एम भुवनेश्वर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी नागालैंड, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट ले लेते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट खुशी सिंघवी ले रहे हैं अपन, पहले इनका ले रहे थे लेकिन ले नहीं पाए थे, इनकी 2663 रैंक है, फीमेल रैंक है इनकी जनरल में, और इनका होम साइंस, इनका होम स्टेट महाराष्ट्र है। चलिए खुशी सिंघवी इनका नाम, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं इनकी प्रोसेस, स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल। तो इनकी ब्रांच है 2663
फीमेल हैं ये, जनरल कैटेगरी है इनकी। डोमेसाइल स्टेट इन्होंने महाराष्ट्र बताया है, महाराष्ट्र इनका डोमेसाइल स्टेट है। इन्होंने ब्रांच जो बताई है वो बताई हुई है कंप्यूटर साइंस। चलिए अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट में इनको कहाँ कहाँ कंप्यूटर साइंस मिल रही है, गवर्नमेंट की किस किस कॉलेज में इनको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो इनकी सारी डाटा फिल हो गए हैं, अब जो भी डिस्प्ले होगा वो इनका पक्का सामने आपके है, देख सकते हैं। इनको JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में मिल रही है, सी राज सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मिल रही, पौंडीचेरी में मिल रहा है, NIT मिजोरम में मिल रहा है इनको, NIT आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, NIT श्रीनगर, NIT अगरतला, NIT मेघालय, NIT नागालैंड, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, NIT मणिपुर, असम, सिलचर टेक्नोलॉजी, देवी अहिल्या मध्य प्रदेश में आपको मिल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहा है, UIET में, संत लोनावाला इंस्टीट्यूट्स में मिल रहा है आपको, संत लोनावाला इंस्टीट्यूट्स में मिल रहा है आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे तेजपुर में मिल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम में मिल रहा है, जामिया मिलिया मिल रहा है। चलिए तो अब इनका प्राइवेट में और देख लेते हैं एक बार, प्राइवेट में इनको कहाँ कहाँ CS मिल रही है, हो सकता है इनका प्राइवेट में इंटरेस्ट हो। तो पब्लिक प्राइवेट देख लेते हैं पहले, ये अच्छे रहते हैं पब्लिक प्राइवेट। तो इसमें इनका IIIM नागपुर बहुत अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट से आप हैं और आपको IIIIM नागपुर मिल रहा है, कंग्रेचुलेशन खुशी कुमारी जी। यहाँ पर हैं क्या आप, सुन रही हैं खुशी कुमारी जी, खुशी कुमारी आपको IIIIM नागपुर मिल रहा है, खुशी कुमारी लिखें कृपया। ये हमें लग रहा है कि आपको अच्छा मिल रहा है IIIIM नागपुर, IIIIM रांची भी आपको मिल रहा है, IIIIM बहुत सारे, IIIIM धनबाद मिल रहा है आपको, IIIIM बड़ौदा आपको मिल रहा है, IIIIM भोपाल आपको मिल रहा है, IIIIM मणिपुर आपको मिल रहा है, गुवाहाटी मिल रहा है। चलिए तो ये हमारे ख्याल से खुशी कुमारी जी को समझ में आ गया है। अब प्राइवेट में तो नहीं देखना है खुशी कुमारी जी, प्लीज़ आप लिखें, आपको ठीक मिल गया जो आपको चाहिए था मिल रहा है IIIIM नागपुर, ठीक है आपके लिए। खुशी कुमारी जी ने कुछ लिखा नहीं है आगे, ठीक है चलिए। और खुशी कुमारी जी आप व्हाट्सअप कर दें अपनी डिटेल, तो सारा PDF बना के हम आपको भेज देंगे, पूरा जो आपको जो दिखाया गया है और उससे ज़्यादा भी पूरा PDF बना के आपको भेज देंगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ है यहाँ पे। अभिषेक कुमार को देख लेते हैं, अभिषेक कुमार यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा सा इसको रोकते हैं। अभिषेक कुमार जो हैं इनकी रैंक जनरल है, UP स्टेट से हैं अभिषेक कुमार, इनका 50025 रैंक है, 50025 रैंक है, जनरल कैटेगरी से हैं, UP से हैं, इनका इंटरेस्ट CS, IT और EC में है। चलिए तो देख लेते हैं किस तरीके से इनको क्या मिल रहा है। तो अभिषेक कुमार इनकी रैंक है 50025, मेल कैंडिडेट हैं ये, जनरल इनकी कैटेगरी है, डोमेसाइल स्टेट इनका UP है। चलिए सबसे पहले अपन इनको देख रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस सभी जगह देख लेते हैं इनको कहाँ कहाँ मिल रही पूरी टोटल। तो देखिए सबसे पहले मिजोरम यूनिवर्सिटी आ रहा है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल आ रहा है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, MIT अकाडमी। तो पहले गवर्नमेंट में देख लेते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट में देख लेते हैं बिल्कुल। चलिए तो गवर्नमेंट में आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी मिल रही, माधव इंस्टीट्यूट मिल रहा है, उज्जैन मिल रहा है,
और ये जो है विदिशा का कॉलेज मिल रहा है आपको, चंडीगढ़ का मिल रहा है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मिल रही है, रीवा मिल रहा है, आईजी गुजराल मिल रहा है, जीवा जी यूनिवर्सिटी मिल रही है, गोविंद बल्लभ पंत आईजी मोहाली मिल रहा है इनको, तो ये इनको बहुत ही अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल पा रहा कंप्यूटर साइंस के लिए। अब इनकी दूसरी ब्रांच थी आईटी, उसको देख लेते हैं भाई। आईटी इनको कहाँ पे मिल रही है? तो आईटी इनको जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मिल रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आईटी आपको यहाँ मिल रही है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। मिजोरम यूनिवर्सिटी, माधव इंस्टीट्यूट, यूटीआई, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आईटी भी आपको बहुत अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है। आप देखते हैं इनका कि इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहाँ पे मिल रही है, ईसी कहाँ पे मिल रही है इनको। चलिए तो ईसी इनको श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मिल रही है, मिजोरम में मिल रही है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मिल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी मिल रही है, तेजपुर यूनिवर्सिटी मिल रही है इनको, इंडियन इंस्टीट्यूट देवी अहिल्या इंदौर इसमें मिल रही है आपको। ईसी अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छा कॉलेज है एमपी का, इसमें मिल रही है आपको अभिषेक कुमार जी, तो एक जगह आपको मिल रही है देवी अहिल्या में, माधव इंस्टीट्यूट्स उज्जैन, रीवा, बरकतुल्ला। चलिए तो इसके बाद देखिए अभी थोड़ा सा गले में दिक्कत होने के कारण लाइव सेशन अभी बंद किया जा रहा है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, अभी तो बहुत टाइम है, आराम आराम से पूरा सेशन चलता रहेगा। व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप पे सारा पीडीएफ बना के हम आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है? तो अभी बंद कर रहे हैं थोड़ी गले में प्रॉब्लम होने के कारण, तो आगे जो है लाइव सेशन अपना चलता रहेगा और लगातार आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें आप अभी व्हाट्सअप कर दें, बोल नहीं पा रहे हैं तो, लेकिन हम बना के आपका पीडीएफ आपको भेज देंगे कि आपको क्या मिल रहा है। आप पूरी डिटेल लिख दें अपनी, देखिए क्या क्या डिटेल लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। आपको एक तो अपनी रैंक लिखनी है, मेल फीमेल भी लिखें साथ में, क्योंकि वो वहाँ पर पूछा जाता है मेल है कि फीमेल है, होम स्टेट पूछा जाता है, और रैंक कम वाली लिखें, मतलब जैसे जो अगर आप EWS के हैं तो EWS रैंक लिखें, OBC के तो OBC लिखें, जनरल रैंक की फिर ज़रूरत नहीं है, तो कैटेगरी वाली रैंक ही लिखें, उसी से ही कॉलेज डिसाइड होता है। तो ये हमने आपको दे दिया एडवाइस, घबराना नहीं है, आपको पूरा मिलेगा, 6th 7th राउंड तक की काउंसलिंग की पूरी एडवाइस, चॉइस फिलिंग, फ्री ऑफ द कॉस्ट, सारी डिटेल हमारी इस पर आपको मिलेगी। और अभी गले में दिक्कत होने के कारण लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट को जो है नाराज़ नहीं होना है, आप लोग हमसे जुड़े हैं आपको फ़ायदा होगा और आपको पूरी एडवाइस मिलेगी। आप व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप पे एक दो दिन में हम पूरा डिटेल आपको भेजेंगे, और एडवांस की पढ़ाई आप करने लगें, एडवांस का पूरा मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाके एडवांस की वीडियो भी हम लोग डालने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो थोड़ा घबराएं नहीं बिल्कुल भी, सारी डिटेल आपको मिलेगी। और इसमें जो NIT की काउंसलिंग है इसमें कोई क्वालिफाइंग परसेंटाइल नहीं होता है, सभी लोगों को मिलेगा, जो भी लोग बैठे हैं एग्ज़ाम में जेई मेंस के, उनके माइनस में भी मार्क्स आए हों, कितनी भी बड़ी रैंक हो, सारे लोगों को कॉलेज मिल सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, घबराना नहीं है, तो आपको मिल सकता है कितनी भी बड़ी रैंक हो आपकी, ठीक है? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को, वीडियो में लाइक बहुत ही कम है, और आपको एडवाइस मिलेगी बिल्कुल जल्दी से जल्दी, नाइट में भी लाइव नहीं तो कल से लाइव आपको मिलेंगे पूरी एडवाइस। बाकी व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप पे आपको जानकारी मिलती रहेगी लगातार। तो थैंक यू सभी लोगों से, थैंक यू बिल्कुल लगातार, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू बिल्कुल लगातार, और सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सअप कर दें, जिनका अभी नहीं बता पाए उनके लिए सॉरी, व्हाट्सअप कर दें, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ओके थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू बिल्कुल लगातार, सभी को जानकारी पूरी पूरी मिल जाएगी।
तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो है व्हाट्सअप कर दें, और कॉलेज से की रैंक से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे। अभी जो है पूरा एक एक एनआईटी का एक एक अलग अलग वीडियो भी डाला जाएगा, वो भी आप देखते रहें। व्हाट्सअप कर दें, सभी का बताया जाएगा भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को घबराना नहीं है, सभी को अच्छी एडवाइस मिलेगी और सारी एडवाइस जो है आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक सोर्सेस से मिलेगी। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। और एडवांस के जो लोग क्वालिफाई हुए हैं सब लोग एडवांस दें, क्योंकि एडवांस देने से फ़ायदा ये है कि आप आईआईटी की काउंसलिंग में बैठ पाएंगी, तो एक अच्छा आईआईटी आपको मिल सकता है। आईआईटी एनआईटी में क्या डिफरेंस है इस पर एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू सभी लोगों के लिए।